हेलो गाइस, देसी क्रिएटिव यूट्यूब फैमिली में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज इस बोट को बनाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले यूज़ कर रहा हूँ कुछ बिजली फिटिंग करने वाला पीवीसी पाइप। आप देख सकते हो इस पीवीसी पाइप को मैंने पहले से ही कटिंग करके रेडी करके रखा है। तो चलिए गाइस, जल्दी से इस सब पाइप को एक साथ जोड़कर इस बोट की तरह डिज़ाइन कर लेते हैं। गाइज, यहाँ पर मैंने सभी जोड़ों को अच्छे से सुपर ग्लू के द्वारा चिपका कर रेडी कर दिया हूँ, लेकिन सुपर ग्लू यहाँ पर पानी में अच्छे से काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पीवीसी पाइप का जो वाटर प्रूफिंग वाला ग्लू मिलता है उसको यहाँ पर यूज़ किया है। आप भी इसको ज़रूर यूज़ करना, नहीं तो ये बोट अच्छे से वाटर प्रूफ नहीं होगा। मोटा मोटा जो बात है, इस बोट को अंदर से पूरी तरह से एयर टाइट और वाटर प्रूफ बनाना है, नहीं तो ये बोट पानी में अच्छे से नहीं तैर पाएगा। तो गाइज, आप भी सुपर ग्लू के ऊपर दोबारा से इस ग्लू को ज़रूर यूज़ करना। नेक्स्ट हमें चाहिए कुछ आइसक्रीम स्टिक, जिसको मैं इस बोट के ऊपर कुछ इस तरीके से बिछा कर चिपका लूँगा, और इसी के ऊपर हमारा जो मोटर सर्किट वगैरह वो सब कुछ इसी के ऊपर रहेगा। वो तो आपको आगे चलकर पता चल जाएगा गाइज कि मैं इस बोट के ऊपर क्या क्या लगा रहा हूँ। अब बस वीडियो को देखते रहिए और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए गाइज, मैं इस सब स्टिक को अच्छे से यहाँ पर चिपका कर तैयार कर लेता हूँ। तो देखिए गाइज, यहाँ तक तो हमारा जो बोट का मेन बॉडी, जो मेन स्ट्रक्चर है, वो तो बनकर तैयार हो गया है। अब इसको और भी ज़्यादा सुंदर और भी ज़्यादा बढ़िया दिखाने के लिए इसके ऊपर पेंटिंग कर लेते हैं। चलिए मैं फटाफट से इसको पेंट कर लेता हूँ। तो देखिए गाइस, बोट को मैंने पूरी तरह से कलर कर दिया है। आगे की साइड मैंने ऑरेंज और पीछे की साइड ब्लैक कलर में किया है। ये कलर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एक 5 वोल्ट DC मोटर, जिसको मैं यहाँ पर इस बोट के ऊपर एक फैन बनाने के लिए यूज़ करूँगा, जिसकी मदद से हमारा जो ये बोट है ये पानी में आगे की तरफ बढ़ पाएगा। ये फैन जब हवा को पीछे की तरफ भेजेगा ना, तो हमारा जो बोट है वो पानी की तरफ पानी में आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो मैं इस फैन को जल्दी से यहाँ पर लगा लेता हूँ। अब यहाँ पर इस फैन के ठीक मिडिल पॉइंट कर एक रडार सिस्टम बनाना होगा, जिसके मदद से ये बोट लेफ्ट साइड और राइट साइड में अपना डायरेक्शन चेंज कर पाएगा गाइज। तो मैं इस रडार सिस्टम को यहाँ पर कैसे लगाता हूँ, अब बस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। इसको यहाँ पर लगाना वेरी ईजी है। आप भी अगर पूरा वीडियो देख लेते हो तो घर पर आप भी इसके बना सकते हो गाइज।
गाइज यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। राडार सिस्टम के लिए N20 गियर मोटर को मैंने यहाँ पर फिक्स्ड किया था ना, वो यहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए मैंने इस N20 गियर मोटर के साथ थोड़ा सा चेंजेस कर फैन के मोटर माउंट के साथ अच्छे से लगा दिया है। गाइज वहाँ पर ये राडार अच्छे से काम कर रहा है, तो मैं इसको कैसे लगाता हूँ अब देखते रहिए। तो अब मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक का बॉक्स ले रहा हूँ, इसी के अंदर मैं बैटरी वायर सर्किट वगैरह सब कुछ रखूँगा, क्योंकि ये बोट जब पानी में चलेगा ना, इसके अंदर सर्किट बैटरी में एक बूंद भी पानी नहीं आना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर मैंने एक मोबाइल बैटरी और रेडियो कंट्रोल सर्किट ले लिया हूँ। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इस सर्किट में कहाँ पर क्या कनेक्शन करना है, वो थोड़ा डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। तो देखिए गाइज इस बोर्ड में टोटल 6 पॉइंट है। इस 6 पॉइंट में से सबसे लेफ्ट साइड में जो है वो बैटरी माइनस और राइट साइड में बैटरी प्लस दे देना है गाइज। और मिडिल में जो 4 पॉइंट बच जाता है, उन 4 पॉइंट में से 2 पर एक मोटर और उसके साइड पर 2 पर एक मोटर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बस और कुछ नहीं है इस सर्किट में। तो चलिए मैं इन सबको फटाफट से कंप्लीट कर ले आता हूँ। तो गाइस हमारा ये बोट पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। चलिए इसको आप पानी में जाकर टेस्ट करते हैं।
अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का लिंक सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।